हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जे एस एस सी वाला। चलिए दोस्तों, जे एस एस सी जे एग्ज़ाम जैसा कि पता ही होगा आपको चल रहा है और 15 या 16 तारीख से शायद इलेक्ट्रिकल का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है। और जितने भी विद्यार्थी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट होंगे, मान लें देख रहे होंगे, तो ज़रूर क्वेश्चन भेज दीजिएगा जो आया होगा, ठीक है। व्हाट्सअप कर दीजिएगा 15-20 सवाल जितना भी याद आ रहा होगा, ताकि लोगों को आने वाला अपकमिंग एग्ज़ाम में लोगों को मदद मिल सके, ठीक है। चलिए, तो आज हम देखने वाले साइंस और झारखंड जीके के क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड जेई में पूछा जा रहा है जिस टाइप का, ठीक है। चलिए, ऐसे ही प्रश्न पूछता दोस्तों, और अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी करवाएंगे, क्योंकि आगे आपको हो सके पैटर्न बदलेगा, इसीलिए आपको बोल रहे हैं क्वेश्चन जरूर भेज दीजिएगा, ताकि आइडिया लग सके कि वैसे ही क्वेश्चन पूछा जाए फिर बदल रहा है कुछ पैटर्न को। यदि पैटर्न बदलेगा तो उसी हिसाब से क्वेश्चन करवाएंगे। हालांकि सब क्वेश्चन आपको करवा रहे, दिक्कत नहीं है। झारखंड जीके में इतना करवा देंगे कि आपको आराम से 4-5 जो सवाल आ रहा आराम से सही कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला उसमें, ठीक है ना। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, नहीं किएंगे तो, और बेल बटन दबा दीजिएगा। चलिए, बी एच एफ का फुल फॉर्म पूछा हुआ था कि ये एस एस सी जेई में क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन। इसका फुल फॉर्म पूछा था बी एच एफ, इसका क्या होता है फॉर्मूला, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। देखिए दोस्तों, कल एक चीज़ उल्टा बता दिए थे, कल शायद हो जाता है, जैसे आई एन सी 1885, 1886 चार बताए थे ना, जो इंपॉर्टेंट है, उल्टा हो जाता दोस्तों, तो इसके लिए कोई चिंता करने विषय नहीं। 88 तब इससे पहला जो था वो कलकत्ता बता दिए थे, मुंबई होगा, हालांकि गलती से मुंह से निकल गया था, ये तो बहुत बार करवाएं एग्जाम में, कई बार करवा चुके हैं, ठीक है। दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास, चौथा अहमदाबाद, पता है इलाहाबाद, पता है कि नहीं, इलाहाबाद चौथा। पहला में कौन था? डब्ल्यू सी बनर्जी, दूसरा में अबुल कलाम आज़ाद, तीसरा में कौन था बताइए? बदुद्दीन तैयब जी, चौथा में जॉर्ज यूल। पहला मुस्लिम पूछेगा तो तीसरे में था मद्रास सेशन में, पहला विदेशी पूछेगा फिर अध्यक्ष किसके साथ था? जॉर्ज यूल, इलाहाबाद सेशन में। तो उल्टा हो गया था थोड़ा सा, मुंबई को कलकत्ता, कलकत्ता मुंबई कर दिया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लड़का लोग कमेंट किया था उसके हिसाब से बता दिए। चलिए, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, बताइए लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी क्या होता है? लीवर को बोलते हैं। हु डिस्कवर्ड एटॉमिक न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर्ड किया है? रदरफोर्ड ने किया दोस्तों, कब किया था? 1911 ईस्वी में। एटॉमिक न्यूक्लियस रदरफोर्ड, 1911, एटॉमिक न्यूक्लियस रदरफोर्ड, 1911, ठीक है। स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, बायोलॉजी ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? जियोलॉजी बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी, पेडोलॉजी या वायरोलॉजी, बताइए। तो जियोलॉजी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? जियोलॉजी। चारोलॉजी जो दिया सब इंपॉर्टेंट, नेफ्रो न्यूरॉन्स का, पेडोसोयल्स का, तो देख लीजिएगा, ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंट यहाँ से, बताइए। पाँच का क्या हो जाएगा? जियोलॉजी हो जाएगा इसका आंसर। द टेम्परेचर एट विच ऑल सब्सटेंसेस हैव जीरो थर्मल एनर्जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड सवाल पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, बताना है आपको कितना पे होता है। तो माइनस कितना होता है बताइए? माइनस टू, याद रखिएगा, माइनस 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसका आंसर डी हो जाएगा। डज नॉट रिएक्ट ऑक्सीजन, बताइए इसमें से, इसमें से रिएक्ट कौन नहीं करता है ऑक्सीजन के साथ, कौन नहीं करता है? तो 18 ग्रुप का एलिमेंट देख लीजिए, कोई मिल रहा तो मार दीजिए, और क्या, वही रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। 18 ग्रुप का एलिमेंट कौन है? हेलियम, हरभजन, नेहरा, अगर का जीरो रन, पता है ना, तो ये हेलियम हो जाएगा इसका आंसर। हु वाज द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, बताइए, फाइनर ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, एडवर्ड जेनर, लुइस पाश्चर, लुइस बेबिक्स, अल्बर्ट कुंस। तो जेनर हो जाएगा, स्मॉल पॉक्स याद रखिए, काफ़ी नाम पूछा जाता है एग्जाम में, एडवर्ड जेनर, ठीक है। बेरी बेरी, बताइए बेरी बेरी कौन सा बी वन को बोलते हैं या बी टू को बोलते हैं, बताइए जरा। अभी मैं सोचिएगा बेरी बेरी दो बार लिखा तो बी टू को बोलेंगे, नहीं गलत हो जाएगा, एग्जाम में आया हुआ इसलिए बता रहे चीज़ को। अक्सर लोग क्या कहता है कि बेरी बेरी समझ के दो बार लिखा तो बी टू को बोलते, नहीं, बी वन को बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? बेरी बेरी को क्या बोलते हैं बताइए? इसको थायमिन बोलते हैं। बी वन को क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं। और बी टू को अगर रिबोफ्लाविन बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। बी थ्री इसी तरह बोलते, बी थ्री होता है, बी थ्री होता है, बी सेवन होता है, बी नाइन सब बता चुके हैं, फोलिक एसिड किसको बोलते हैं, बी नाइन को, ठीक है, ये सब चीज़ हो चुका है। तो इसका आंसर बी वन हो जाएगा, वेरी वेरी बी वन, थायमिन। विच आउट ऑफ दिस इज द मोस्ट मेल्युएबल मेटल, मोस्ट मेल्युएबल मेटल किसको बोलते हैं? गोल्ड को बोलते हैं, गोल्ड इज द मोस्ट मेल्युएबल मेटल। ब्राइटेस्ट प्लैनेट बताइए, सोलर सिस्टम में सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट किसको बोला जाता है? वेनस, मार्स, जुपिटर, अर्थ। तो वेनस को बोला जाता है। इंसेक्ट, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े जो होते हैं उसका पढ़ाई को क्या बोलते हैं? जस्ट उसको क्या बोलते हैं बताइए? ऑर्निथोलॉजी तो बर्ड्स का होता है,
ठीक है, बायोलॉजी तो पता है, हाइड्रोलॉजी तो पता, वाटर वगैरह से कुछ रिलेटेड है, तब कौन बच गया, ये एंटोमोलॉजी हो जाता है इंसेक्ट का। ठीक है, हाउ मेनी पीपल हैव सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर झारखंड, जब से झारखंड अलग हुआ 2000 में कितने लोग मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जोड़ लीजिए। पहला कौन था, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, हेमंत सोरेन, रघुवर सार, रघुवर दास, तो कितना हो गया टोटल, 6 हो गया। तो देख सकते हैं आप लोग, काउंट कर लेते हैं। पहला प्रेसिडेंट रूल कब लगा था इंडिया झारखंड में, 3 बार लगा, 2009, 2010, 2013, 3 बार लग चुका है दोस्तों, सबसे ज़्यादा 2009 में लगा था दोस्तों। तो पहला बार पूछा याद रखना है, दूसरा बार पूछा 2010, कितना बार लगा था, 3 बार, 2009 में, 2010 में, 2013 में। 2009 में कौन था, सैयद सिफ्तरे जी राज्यपाल थे। 2010 में कौन था, MOH फारूक था। 2013 में कौन था बताइए, सैयद अहमद था। तो सबसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सवाल। घाटशिला किसके लिए फेमस होता है, घाटशिला इंडस्ट्रियल एरिया, तो ये किसके लिए दोस्तों, कॉपर के लिए। कहा घाटशिला कहाँ गया भाई, क्या हो गया, घाटशिला कॉपर, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। बॉक्साइट बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम बता चुके हैं, बॉक्साइट के लिए फेमस। आपको बॉक्साइट जब भी दिमाग दिखेगा आपको तुरंत मार देना है लोहरदगा, क्या मार देना, बॉक्साइट नाम सुनते ही लोहरदगा मार देना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर लोहरदगा होगा, बॉक्साइट काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है लोहरदगा वाला। झारखंड धाम कहाँ पे, कौन सा जिला में, झारखंड धाम गिरिडीह जिला में, कहाँ पे, गिरिडीह जिला में। HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन फैक्ट्री इन झारखंड वाज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री, जापान, अमेरिका, ब्राज़ील, चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, चेकोस्लोवाकिया के द्वारा बनाया गया था, मतलब हेल्प के द्वारा बनाया, रसिया भी आता है, लेकिन ये 3 यूनिट है, उसमें से 2 यूनिट इसका, 1 यूनिट रसिया का है। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाईकोर्ट, बीके गुप्ता, कौन था, बीके गुप्ता, विनोद कुमार गुप्ता जी। इन द झारखंड स्टेट चांदिल, चांदिल डैम कहाँ पे है, चांदिल डैम सरायकला खरसावां में है ना, कौन सा नदी पे, चांदिल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो, कौन सा नदी पे बताइए, तो बताइए आपको सरायकला खरसावां पूर्वी सिंहभूम इधर में कौन सा नदी है, दामोदर है, कारो, फेड़ा, सुवर्णरेखा, ये आसानी से मार दीजिएगा, सुवर्णरेखा नदी वहाँ पे, ठीक है। क्वीन ऑफ छोटा नागपुर किसे बोला जाता है, ये क्वेश्चन बना हुआ है आपके एग्जाम में, आगे बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो क्वीन ऑफ छोटा नागपुर नेत्रहाट को बोलते हैं या रांची को, तो बोलते हैं नेत्रहाट को बोलते हैं क्वीन ऑफ छोटा नागपुर। इन विच ईयर दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनोग्रेटेड, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनोग्रेशन कब हुआ था, 1975 में हुआ था। बेटला नेशनल पार्क, एक ही नेशनल पार्क है झारखंड में पता है कि नहीं, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, सो बताना आपको। देखिए दोस्तों बात ऐसा है ना कि कई लोग पुराना किताब लोग पढ़ जाते हैं, तो इसमें क्या था, इसका बेतला नेशनल पार्क पलामू लिखता है, क्योंकि उस समय पलामू लातेहार जिला नहीं था, पलामू के अंदर ही था वो, ठीक है। लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछेगा ना, बेतला नेशनल पार्क कौन सा जिला में, दोस्तों याद रखना लातेहार जिला में, ध्यान दीजिएगा लातेहार, पलामू मत मारिएगा, ठीक है ना, क्योंकि पुराना पुराना जिसके पास बुक है वही पढ़ रहा, तो पलामू मार के आ जाएगा, लेकिन इसका आंसर लातेहार होगा, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं, जितना भी कोशिश होता है आपको क्वेश्चन भेजता है तो बढ़िया बात है दोस्तों, ना तो फिर कोई दिक्कत ऐसे ही करवाएंगे, और अच्छा अच्छा क्वेश्चन है झारखंड में, दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है। और जो हम PDF दिए उसको जरूर ले लीजिएगा दोस्तों, पेपर वन के लिए सफिशियंट है, 30-35 नंबर आराम से आ जाएगा उसमें, पेपर पढ़ के पूरा PDF को पढ़ के जाइएगा, तो उसमें सब है, झारखंड जी के करंट अफेयर, कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, 6 महीने का करंट में करंट अफेयर सब चीज़ में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो 8968765101 इनटेक का PDF है, 149 में ले लीजिएगा, ठीक है। इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा पेमेंट का, वहाँ पे हम PDF भेज देंगे, ठीक है। चलिए।